बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं कुरान करीम हिफ्ज करता हूँ। मुझे सबक याद करने का कोई वजीफा बता दें और मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मैं जल्द से जल्द हिफ्ज कर लूं। और मेरी अम्मी जान बीमार रहती हैं, उनका वजन बहुत बढ़ रहा है, उनके लिए वजीफा बता दें और उनके लिए दुआ फरमा दें। मेरे अब्बू जान भी बीमार रहते हैं, उनके लिए भी दुआ फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी अब्बू क्या? अम्मी अभी बीमार रहती हैं, उनका वजन बढ़ रहा है और अब्बू भी बीमार रहते हैं, उनके लिए दुआ करें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, आपके लिए कि आप हिफ्ज़ करते हैं, आप चाह रहे हैं कि हिफ्ज़ जो है आपका आसानी से हो जाए, उसके लिए नोट कर लें सूरत अंबिया आयत नंबर 79। सूरत अंबिया आयत नंबर 79 ये रोज़ाना 11 मरतबा सुबह शाम पढ़ के अपने सीने पे दम कर लिया करो, फजर के बाद और इसी तरह मगरिब के बाद पढ़ के फूंक दिया करो, दम कर लिया करो। इससे इंशाल्लाह आपका जो है वो हिफ्ज़ कुरान जो है बहुत पुख्ता हो जाएगा और हाफ़ज़ा मजबूत हो जाएगा, ये रखें। और बाकी जो है वालदा के लिए, वालदा से कहे कि हर खाने पीने पे तीन मरतबा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 ये दम कर लिया करें। इससे इंशाल्लाह उनकी बीमारियां भी रफा होंगी और जो उनका वजन भी कम होगा। तो वालिद को भी यही बता दें, उनकी बीमारियां दूर होंगी और बहुत नफ़ा होगा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 यानी 80, तो बहुत फ़ायदा होगा। 90 दिन ये पाबंदी से कर लें, इंशाल्लाह बिल्कुल जो तंदुरुस्त हो जाएंगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हजरत।